न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में टाइप करना है सारथी परिवहन। तो जैसे ही आप सारथी परिवहन टाइप करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट को क्लिक करना है, ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपको ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करेंगे एंड देन ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस आपको ऑप्शन मिल जाता है, दूसरा ही ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। इसमें आपका स्टेट आपसे चूज करने के लिए मांगा जाता है, इससे आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन से राज्य से हैं आप पूरे इंडिया में। तो हम फिलहाल दिल्ली से करने वाले हैं, तो दिल्ली हमने सेलेक्ट कर लिया एंड देन सारी सर्विस हमारे सामने आ जाती है। यहाँ आपको अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन मिल जाता है और इस पॉपअप में भी आपको दिख जाएगा कॉन्टैक्ट लेस EKYC सर्विस। लर्निंग लाइसेंस पे हमने क्लिक किया, इस डैशबोर्ड पे हम आ गए हैं। अब इसमें हमें एप्लीकेशन विद आधार, अगर आधार के द्वारा आप कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और नो विजिट RDO, अपने घर बैठे आप ये लर्नर लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे। प्रोसेस हम आगे समझने वाले हैं। आधार के द्वारा यदि आप करते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होगा। तो इसके लिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो इसके लिए आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, ये डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको मेनू बार पे इस पर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें आपको जनरल पे ही रहने देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट, क्योंकि हम आधार के द्वारा करना चाह रहे हैं तो पहले ऑप्शन को टिक करना होगा, सबमिट विदाउट ऑथेंटिकेशन दूसरा ऑप्शन है, पहले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। अब देखेंगे आप आधार नंबर डालना होगा, आधार नंबर मेंशन किया, देन OTP गया होगा, OTP सबमिट किया, उसके बाद टिक मार्क को टिक करने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे, डेटा आपका सारा जो आधार बेस होगा वो शो हो जाएगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं डिटेल सारी हमारे सामने ओपन हो गई है, सिक्योरिटी रीजन इसको ब्लर किया हुआ है। देन यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ऑटोफिल सब सिस्टम पूरा खुल जाएगा आपका पूरा पेज। इस डैशबोर्ड में आपको थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, फादर नेम डालना होगा, फादर नेम मेंशन है ऑलरेडी, फादर सिलेक्ट करना होगा एंड ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है वो आपको इसमें सबमिट करना होगा, सिलेक्ट कर लेना है उसको ब्लड ग्रुप को। उसके बाद आप देखेंगे आपका क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, क्वालिफिकेशन कौन सा है आपको सिलेक्ट कर लेना है, 10 या 10+2 एनी अदर। और यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ आपको डालना होगा, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, तो प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है, दिल्ली हमने डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है दोस्तों। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सबमिट करने हैं। तो आपको वेरी केयरफुली इसको चेक करके इसमें सबमिट कर देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वाले कॉलम में आपको एक कोई पहचान का चिन्ह सबमिट करना है, बॉडी पे पहचान का चिन्ह। तो कॉन्टैक्ट डिटेल हमें सबमिट कर दी। उसके बाद नीचे आएंगे, आप देखेंगे ड्यूरेशन, प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस पर रह रहे हो, कब से रह रहे हो, वो सबमिट करना होगा इस डिटेल्स में। अब हमें आ जाता है कॉलम ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट करने का। तो यहाँ से हम जो भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर रहे हैं वो हमें सिलेक्ट करना होगा, चाहे 2-व्हीलर का हो चाहे 4-व्हीलर का हो। तो लाइट मोटर व्हीकल LMV ये सिलेक्ट कर लिया, या MCWG सिलेक्ट कर लिया, बाइक का कर रहे हो तो आपको MCWG सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे, देन यहाँ से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन में अपने अकॉर्डिंग पढ़ के जो भी आपका यस है यस करना है, नो है नो पे क्लिक करना है, देन डिक्लेरेशन को सबमिट करना है। तो सबमिट करते ही ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस पूरा कर पाएंगे। तो ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, नीचे ओके किया, हम MCWG के लिए हमने आवेदन किया है ओनली बाइक के लिए, आप देख पा रहे हैं। तो ये डिटेल हमारी यहाँ तक सबमिट सक्सेसफुली हमारी हो गई है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है हमारा। अब आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट हमें कोई अपलोड करना नहीं है इसमें दोस्तों।
तो हम करने वाले हैं ई केवाईसी मोड के द्वारा अप्लाई। तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट कोई है नहीं, इसके लिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सारा कुछ आधार से हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पर क्लिक किया, डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी, एक बार इसको रीचेक कर लेना है। जो भी आपका एरिया का आरटीओ ऑफिस लगता है ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें। यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर स्लिप का। ओके, तो इसको ओके किया, आप नीचे थोड़ा सा नीचे आएंगे, एप्लीकेशन सबमिट थ्रू नो विजिट आरटीओ, आप देख पा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट हमारे रिक्वायरमेंट है नहीं कोई, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स एग्जेम्प्ट आ रहा है दोस्तों। एग्जेम्प्ट मतलब आपको माफ़ कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए हमें, ओनली जो अपलोड करना है फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। नो विजिट आरटीओ, आप देख पा रहे हैं हमें आरटीओ जाने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्टैक्ट लेस सर्विस है ये। तो डॉक्यूमेंट में हमने फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दिया है दोस्तों, और फीस पेंडिंग अभी रह गया है, देख पा रहे हैं आप। ई साइन कंप्लीट कर दिया है, आधार पे ओटीपी जाएगा, ई साइन कंप्लीट हो जाता है। अब हमें स्लॉट के लिए भी एग्जेम्प्ट कर रखा है इन्होंने, ओनली फीस हमें पेमेंट करनी है। एक बार फीस को देख लेते हैं कितनी आ रही है। तो बाइक का ओनली हमने अप्लाई किया है दोस्तों, बाइक या फीस देख पा रहे हैं MCWG की 150 रुपये है, और ड्राइविंग टेस्ट की फीस 300 रुपये है, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट की फीस 50 रुपये देख पा रहे हैं आप। तो टोटल मिला के कुल मिला के 500 रुपये हो जाता है बाइक का, टू व्हीलर का आप कर रहे हैं तो बाइक का 500 रुपये हो जाता है। पेमेंट गेटवे चुन लेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड फिल करेंगे, देन सबमिट करेंगे, और प्रोसीड टू ई पेमेंट के लिए क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप नेट बैंकिंग, फ़ोनपे, UPI किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ऑनलाइन नेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाले हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कई सारे मेथड हमारे सामने आ रहे हैं, भीम UPI नेट बैंकिंग। तो पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इस टिक मार्क को टिक किया, देन इसकी हम एक स्लिप निकाल लेंगे, एप्लीकेशन नंबर डाला और डेट ऑफ बर्थ सबमिट की। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो एक लाइक बनता है यार, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। यदि आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, देन सबमिट किया। आपका जो भी डिटेल होगी यहाँ वापस आप आ जाएंगे, और यहाँ आप देखेंगे कि सारी चीज़ कंप्लीट आपकी हो चुकी है, जो एग्जेम्प्ट में एग्जेम्प्ट हो गया, सबमिट है सबमिट हो गया, तो अंडर प्रोसेसिंग RTO लेवल पे पहुँच गया। अब कुछ नहीं करना, ओनली एक काम पेंडिंग है, आपका ड्राइविंग टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट देना। लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट पेंडिंग है, और टेस्ट की वीडियो आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग से लेके आऊँगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, अब कुछ हमारा पेंडिंग नहीं है। ई केवाईसी मोड के द्वारा मैंने आपको आवेदन करके दिखाया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी नॉलेज वीडियो आपको मिले सबसे पहले। और आपका यदि कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।